Assalamu alaikum dear students, today we will discuss agriculture and forestry SCSS past paper 2021. So first question hamara, discuss the applicability and affordability and effectiveness of precision agriculture in prevailing farming system. तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की अप्लीकेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और इफेक्टिवनेस को डिस्कस करेंगे. प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है फार्मिंग को मोर एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाने के लिए. सो लेट्स ब्रेक डाउन हाउ इट वर्क्स, इट कॉस्ट एंड हाउ वेल इट परफॉर्म्स इन करंट फार्मिंग सिस्टम. इसकी जो अप्लीकेबिलिटी की सबसे पहले देख लेते हैं. इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है वो जीपीएस और मैप्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें फार्मर्स जो है जीपीएस और मैपिंग टूल्स को यूज़ करते हैं जो फील्ड्स को, ताकि बेहतर तौर पर वो अंडरस्टैंड कर सकें एंड और वो उसके साथ ये जान सकें कि किस तरह से सॉइल जो है वो डिफरेंट होती है और इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है. ड्रोन्स एंड सेटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये जो है इमेजेस और डेटा प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स के मुतालिक, सॉइल और वेदर के मुतालिक. इस तरह से जो फार्मर्स की जो हेल्प करते हैं टाइमली डिसीजन के अंदर. नेक्स्ट है सेंसर्स और आईओटी यूज़ किए जाते हैं. इस तरह की डिवाइसेस जो हैं वो सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स और वेदर स्टेशंस जो है कि जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ की जाती हैं, रियल टाइम डेटा देती हैं और इस तरह से जो हेल्प करते हैं प्रिसाइज वाटरिंग के अंदर, फर्टिलाइजिंग के अंदर और कंट्रोल को पेस्ट करने के जो पेस्ट हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. उसके बाद आती है मैनेजिंग क्रॉप्स एंड सॉइल. तो किस तरह से यानी कि क्रॉप्स एंड सॉइल को मैनेज किया जाता है, इसमें डिफरेंट जो है वेरिएबल रेट की टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाता है. सो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इनकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को बेहतर तौर पर अप्लाई कर पाते हैं और इस तरह से जो इन टेक्नोलॉजीज के जरिए फार्मर्स जानते हैं जान सकते हैं कि किस तरह से कितनी अमाउंट वाटर की यूज़ की जानी चाहिए स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फील्ड, इसके ऊपर जो है उसकी बेस होती है. उसके बाद आता है यील्ड को मॉनिटर करना. तो हार्वेस्टिंग के दौरान जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसे देखा जाता है कि कितनी जो क्रॉप है वो प्रोड्यूस हुई है डिफरेंट फील्ड एरियाज के अंदर, जो कि हेल्प करती है फार्मिंग एक्टिविटीज़ की फ्यूचर प्लानिंग में. नेक्स्ट है डेटा ड्राइवन डिसीजंस. इसमें डेटा को एनालाइज किया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो एनालाइज किया जाता है अपने पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए और फ्यूचर नीड्स को प्रिडिक्ट करने के लिए. इस तरह से के जो वर्क हैं वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करते हैं. उसके बाद आता है फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. इसमें सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट्स वेरियस डेटा सोर्सेज टू प्रोवाइड इनसाइट्स हेल्पिंग फार्मर्स प्लान्स एंड एग्जीक्यूट देयर ऑपरेशंस मोर एफिशिएंटली. नेक्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी. तो इसकी इनिशियल कॉस्ट की बात करें, इसमें हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को बाय करना जिनमें ड्रोन्स हैं, सेंसर्स हैं या सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है फार्मर्स के लिए. तो स्मॉल स्केल फार्मर्स जो हैं उनके लिए इस तरह के सिस्टम को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता. नेक्स्ट हमारी इसकी स्केलेबिलिटी देखते हैं. तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो स्केल्ड अप होती है या फिर डाउन होती है, जो कि ज़्यादा अफोर्डेबल होता है डिफरेंट फार्म साइज के लिए. इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म सेविंग्स हैं जिसमें वेस्ट को रिड्यूस किया जाता है. इसमें राइट अमाउंट ऑफ जो है वो इनपुट अप्लाई किया जाते हैं जिसमें वाटर, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है. तो फार्मर्स जो है वो इस तरह से अपनी मनी सेव कर सकते हैं और वेस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद आता है पैदावार का बढ़ना, इंक्रीज यील्ड्स. बेटर मैनेजमेंट ऑफन लीड्स टू हायर क्रॉप यील्ड्स व्हिच कैन ऑफसेट द इनिशियल कॉस्ट ओवर टाइम. नेक्स्ट आए एक्सेस टू फंडिंग. तो ग्रांट्स और सब्सिडीज की ज़रूरत होती है फार्मर्स को, स्पेशली स्मॉल स्केल फार्मर्स को. तो कुछ गवर्नमेंट जो और ऑर्गेनाइजेशन हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर करती हैं फार्मर्स की, ताकि हेल्प की जा सके इस तरह की प्रीसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में. इसके साथ जो इसका इफेक्ट है, इसकी इफेक्टिवनेस अगर हम देखते हैं तो वो इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है. रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन मीन के प्रिसाइज अमाउंट्स यूज करने से इनपुट्स की रिसोर्सेज को सेव किया जा सकता है और इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट को भी रिड्यूस कर सकता है. इसके साथ साथ टाइम की सेविंग्स होती है. ऑटोमेशन एंड बेटर प्लानिंग रिड्यूस टाइम फार्मर्स स्पेंड ऑन मैनुअल टास्क. नेक्स्ट इज हायर यील्ड्स. तो बेटर क्रॉप मैनेजमेंट जो है इसकी वजह से हायर यील्ड जो फार्मर्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं. फार्मर्स कैन रिस्पॉन्ड क्विकली टू इश्यूज लाइक पेस्ट डिजीजेज और न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज लीडिंग टू हेल्थियर क्रॉप्स एंड हायर यील्ड्स. नेक्स्ट इसके जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं,
वो देखते हैं। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जिसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रमोट करता है सस्टेनेबल फार्मिंग को, केमिकल यूज को मिनिमाइज करता है, इसके साथ साथ वाटर की कंजर्विंग को मिनिमाइज करता है, इस तरह से इन्वायरमेंट को ये इन्वायरमेंट के लिए जो है वो बेनिफिशियल होता है। उसके बाद है रिस्क को मैनेज करता है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जिसमें डेटा को एनालाइज किया जाता है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम्स होने से पहले, इस तरह से जो उस प्रॉब्लम्स का नेगेटिव इफेक्ट है उसका रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है और इस तरह जो इम्प्रूविंग क्रॉप आउटकम्स ऑब्टेन होती हैं। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है वो हाईली अप्लीकेबल और इफेक्टिव है मॉडर्न फार्मिंग में, जिस जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, जिस तरह के इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी है, हायर यील्ड्स है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। तो इस तरह की जो इनिशियल कॉस्ट है वो इसकी हाई होती है इस तरह के सिस्टम्स को लॉन्च करने में, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से यानी कि ये फार्मर के लिए जो है एक वायबल चॉइस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डू यू फोरसी इन आवर फार्मिंग सिस्टम्स इन पोस्ट क्लाइमेट चेंज एरा। तो फार्मिंग सिस्टम जो पोस्ट क्लाइमेट चेंज एरा के अंदर इसको देखते हैं, तो क्लाइमेट चेंज जो ऑलरेडी इफेक्टिंग आवर फार्मिंग सिस्टम्स एंड दीज इम्पैक्ट्स आर लाइकली टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो है वो कहते हैं कि फार्मिंग सिस्टम्स के ऊपर पहले ही इफेक्ट कर रहा है, तो इसके इम्पैक्ट्स जो है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर हम चेंजेस देखते हैं जो कि क्लाइमेट की वजह से आती हैं। तो क्रॉप के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसमें न्यू क्रॉप्स बनती हैं कि फार्मर्स जो है वो ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करवा सकता है जो कि बेटर होती हैं, इस तरह के चेंज जो बदलते हुए हालात होते हैं। इसके साथ ड्राउट रेजिस्टेंट वराइटीज जो क्रॉप्स सर्वाइव कर सकते हैं लेस वाटर के साथ, और इस तरह से लेस वाटर के साथ जो सर्वाइव करने वाले क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा कॉमन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ वाटर के मैनेजमेंट है जिसमें इफ़िशियंट इरिगेशन सिस्टम है, मोस्ट एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम जो है वो वाटर को सेव कर सकता है। इसके साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जिसमें कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है रेन वाटर को, ताकि इस रेन वाटर को ड्राई पीरियड्स में यूज़ किया जा सके। और नेक्स्ट है सॉयल की हेल्थ, सॉयल को कंजर्व करना, तो टेक्निक्स जो है वो सॉयल एरोजन से बचने के लिए यूज़ की जाती हैं और ये सॉयल की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर सॉयल के अंदर ऐड किए जाते हैं जो कि मॉइस्चर को न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करने में हेल्प करते हैं। पेस्ट और डिजीज कंट्रोल है जिसमें न्यू पेस्ट और डिजीज जिसमें वार्मर टेम्परेचर जो है वो उसकी वजह से न्यू पेस्ट और डिजीज क्रिएट हो सकती हैं, तो इसलिए इसको जो है डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM है, तो कंबाइनिंग बायोलॉजिकल कल्चरल फिजिकल एंड केमिकल टूल्स टू मैनेज पेस्ट इन एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे। टेक्नोलॉजी इसमें जो अडॉप्ट की जाती है इसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर है जिसमें टेक्नोलॉजी जो है वो मॉनिटर करती है और मैनेज करती है क्रॉप्स को मोर प्रिसाइज़ली, जो कि कॉमन हो इस तरह से ये फार्मर्स के लिए कॉमन हो जाते हैं और उनकी क्रॉप्स को इन्हेंस करने में हेल्प करते हैं। ऑटोमेशन जिसमें रोबोट्स और ऑटोमेटेड मशीन्स को यूज़ किया जाता है जो कि हेल्प करते हैं डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में, लाइक प्लांटिंग है या वीडिंग और हार्वेस्टिंग है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, तो रिड्यूस केमिकल यूज जिसमें फार्मर्स जो है वो फ्यूअर सिंथेटिक केमिकल्स यूज कर सकते हैं और जो कि नेचुरल अल्टरनेटिव है। इसके साथ साथ क्रॉप की रोटेशन और डाइवर्सिफिकेशन जो है, तो डिफरेंट वैरायटी की क्रॉप्स को ग्रो करवाना सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और पेस्ट वगैरह को रिड्यूस करता है, क्योंकि उसके पेस्ट को और साइकिल की जो इस तरह के पेस्ट और डिजीज के साइकिल हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाउसेज और शेड स्ट्रक्चर्स जिसमें जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है एक्सट्रीम वेदर से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के साथ। इसके साथ साथ फ्लड की मैनेजमेंट है जिसमें सिस्टम्स बिल्ड किए जाते हैं ताकि फ्लड वाटर्स को रिडायरेक्ट और मैनेज किया जा सके। उसके बाद आता है पॉलिसी एंड सपोर्ट, तो गवर्नमेंट प्रोग्राम जिसमें ज़्यादा पॉलिसीज और प्रोग्राम्स फार्मर्स को ज़रूरत होती हैं ताकि वो क्लाइमेट चेंज में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से यानी कि जो कंडीशंस चेंज होते हैं या उनके क्रॉप के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो उसको मैनेज कर सकें। इसके साथ साथ रिसर्च और एजुकेशन है, तो इंक्रीज जो रिसर्च है क्लाइमेट रिजिलिएंट फार्मिंग और एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर, तो ये फार्मर्स को ट्रेन करती है न्यू टेक्निक्स के लिए। कम्युनिटी एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग है, इसमें शेयर रिसोर्सेज यानी फार्मर्स में वर्क टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड इक्विपमेंट, ये भी बेनिफिशियल होगा उनके लिए। उसके बाद आता है नॉलेज की शेयरिंग जिसमें कम्युनिटीज विल शेयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस टू हेल्प ईच अदर अडॉप्ट।
नेक्स्ट जो है हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं, तो इस क्लाइमेट चेंज एरा के अंदर जो फार्मिंग सिस्टम्स है वो हेल्प करेगा, जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, रिजिलियंट होता है, तो ये हेल्प करता है क्रॉप्स की हायर यील्ड्स के अंदर। तो चेंजेस विल इंक्लूड अडॉप्टिंग न्यू क्रॉप्स, इंप्रूविंग वाटर मैनेजमेंट, कंजर्विंग सोयल, मैनेजिंग न्यू पेस्ट डिजीज, एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबल फार्मिंग। तो गवर्नमेंट सपोर्ट और जो कम्युनिटी कोऑपरेशन है वो यानी कि अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फार्मर्स की, और हेल्प फार्मर्स की हेल्प करती है इस तरह के जो क्लाइमेट चेंजिंग है उनको अडॉप्ट करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज क्रिटिकली द प्रेजेंट शुगर एंड वेट फ्लोर क्राइसिस, कीपिंग इन व्यू इट्स सोशो इकोनॉमिक कंसंट्रेट्स। एनालाइजिंग द प्रेजेंट शुगर एंड वेट फ्लोर क्राइसिस, शुगर और वेट फ्लोर क्राइसिस जो है इनमें इन्वॉल्व होती हैं शॉर्टेजेस एंड हाई प्राइसेस ऑफ दीज एसेंशियल फूड आइटम्स। लेट्स ब्रेक डाउन द मेन इश्यूज एंड देयर सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स इन सिंपल टर्म्स। तो क्राइसिस की जो है वजूहत क्या है वो देखते हैं। उसमें जो पहली वजह है वो पुअर हार्वेस्ट है, वेदर इशूज सेकेंड जो है इसका काज है, तो अनप्रिडिक्टेबल वेदर जिस तरह के ड्राउट्स का आना या फ्लड्स का आना, तो ये क्रॉप की प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसके साथ है सॉइल की डिग्रेडेशन, जिसमें पुअर सॉइल हेल्थ जो है वो यील्ड्स को रिड्यूस करता है और इसको ज़्यादा हार्डर बनाता है यानी कि ग्रो करने में इनफ शुगर एंड वेट को। उसके बाद आता है सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्ट इशूज, डिले और डिस्ट्रप्शंस ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप्स फ्राम फार्म्स टू मार्केट्स कैन क्रिएट शॉर्टेजेस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के इश्यूज को भी एड्रेस करना ज़रूरी है सप्लाई चेन ताकि मुतासर ना हो। उसके बाद आता है स्टोरेज के इश्यूज, तो इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज जो हैं वो स्पॉइल और वेस्टेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स की तरफ लेकर जा सकती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इसमें आते हैं वो राइजिंग कॉस्ट है, बढ़ती हुई यानी कि इनकी कॉस्ट है जो कि हायर कॉस्ट है, फ्यूल की, फर्टिलाइजर, जो दूसरे इनपुट्स हैं जिसको फार्मर्स यूज़ करते हैं, तो ये फार्मिंग फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। इसके बाद इन्फ्लेशन है, जिसमें जो जनरल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं इकॉनमी के अंदर, जो कि यानी कि फूड प्राइसेस को बहुत ज़्यादा अपसेट कर देती हैं। उसके बाद आता है गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो सब्सिडीज एंड सपोर्ट, इनएडिक्वेट सपोर्ट जो फार्मर्स के लिए होती है वो प्रोडक्शन लेवल्स को इफेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसीज हैं, जो इम्पोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग की पॉलिसीज में जो रिस्ट्रिक्शन आती हैं जिस तरह के शुगर एंड वेट की के ऊपर इसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में रिस्ट्रिक्शन आती हैं, तो इस तरह से ये शॉर्टेज और सरप्लसेस की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। इसके बाद सोशो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। इसमें राइजिंग प्राइसेस हैं, बढ़ती हुई प्राइसेस हैं, कंज्यूमर्स ट्रेंड, तो हायर प्राइसेस जो शुगर और वेट के फ्लोर के लिए होती है तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं, स्पेशली जो लो इनकम फैमिलीज हैं उनके लिए, वो तो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता है यानी इंक्रीज जो फूड प्राइसेस हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं ओवरऑल इन्फ्लेशन के अंदर, जिसमें जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो रेज हो जाती है। और उसके बाद फूड सिक्योरिटी है, जिसमें हंगर और मेल न्यूट्रिशन आती है, जिसमें एसेंशियल फूड की शॉर्टेज जो है वो हंगर और मेल न्यूट्रिशन की तरफ लेकर जाती है, और ये पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिस तरह स्पेशली जो चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ के ऊपर। उसके बाद जो है डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स, तो रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड फूड कैन मेक द कंट्री वल्नरेबल टू ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस। नेक्स्ट इज फार्मर लिवलीहुड्स, इनकम इंस्टेबिलिटी, फार्मर्स में स्ट्रगल विद अनप्रिडिक्टेबल इनकम्स ड्यू टू फ्लक्चुएशंस क्रॉप यील्ड्स एंड प्राइसेस। फार्मर्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं अनप्रिडिक्टेबल इनकम्स के साथ, जो कि उन क्रॉप यील्ड्स और प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट है जो इशू है वो डेट का है, जिसमें हाई कॉस्ट और लोअर रिटर्न्स जो है वो फार्मर्स को डेट में की तरफ लेकर जाते हैं, जो कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह बनता है कुछ केसेस के अंदर। उसके बाद आता है सोशल अनरेस्ट, तो इसमें प्रोटेस्ट आते हैं जो फूड शॉर्टेज और हाई प्राइसेस की वजह से जो पब्लिक है वो प्रोटेस्ट करती है और सोशल अनरेस्ट बढ़ता है। इसके साथ इनइक्वलिटी है, जिसमें क्राइसिस जो है वो बढ़ सकता है यानी कि उसकी वजह से क्राइसिस गैप को इंक्रीज कर सकता है, जो कि रिच और पुअर के दरमियान होता है। तो इस तरह से जो वेल्दियर इंडिविजुअल्स हैं वो तो इसके काबिल होते हैं कि वो इस तरह की राइजिंग प्राइसेस के साथ मैनेज कर सकें, लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो पोटेंशियल सोल्यूशन है इसका, इसमें इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर है यानी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना नेसेसरी है, तो बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं। अगर एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है तो इसमें सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना ज़रूरी है, ताकि सोयल की हेल्थ को और यील्ड को इम्प्रूव किया जा सके। रिसर्च और डेवलपमेंट नेसेसरी है, जिसमें
इन्वेस्टिंग की जाती है एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर, जो के बेटर क्रॉप की तरफ लेकर जाती है, ऐसे बेटर क्रॉप की वैरायटीज प्रोड्यूस होती हैं, फार्मिंग टेक्नोलॉजीज न्यू जो है वो क्रिएट होती हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेंथिंग सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है जिसमें बेटर रोड्स को बिल्ड करना, स्टोरेज फैसिलिटीज बिल्डअप करना, इस तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को बेहतर करना ताकि वेस्टेज को इंश्योर रिड्यूस किया जा सके और टाइमली डिलीवरी को इंश्योर किया जा सके। इसके साथ साथ एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि हेल्प करता है, मैनेज करता है सप्लाई को और जो इफेक्टिव डिमांड होती है उसको इफेक्टिवली फुलफिल करता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जिसमें सब्सिडीज और सपोर्ट है, तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट और सब्सिडीज फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि जो प्रोडक्शन के कॉस्ट है उनको रिड्यूस करने में उनकी हेल्प करती हैं, इनकम्स उनकी स्टेबलाइज करती हैं। इसके साथ जो प्राइस का कंट्रोल है, तो टेम्प्रेरी प्राइस कंट्रोल जो है वो हेल्प कर सकता है ताकि एसेंशियल जो फूड आइटम्स हैं वो अफोर्डेबल हर किसी के लिए रहें। इसके साथ साथ गवर्नमेंट और कम्युनिटी एक्शन है, तो पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट्स को जो है इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है और इन्फोर्स करने की ज़रूरत पड़ती है पॉलिसीज़ को, जो कि एग्रीकल्चर और फेयर ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। तो शुगर और वेट फ्लोर क्राइसिस जो है वो यानी कि इनकी जो वजह है वो कम्बिनेशन ऑफ पुअर हार्वेस्ट है, सप्लाई चेन इशूज़ हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। इन इशूज़ की वजह से इन जो एसेंशियल ये फूड आइटम्स हैं इनका क्राइसिस बढ़ता है। तो इम्पेक्ट जो इसके अंदर इंक्लूड है वो है राइजिंग प्राइसिस का, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती है, सोशल अनरेस्ट बढ़ता है, प्रोटेस्ट बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशंस जो है वो इसका इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर के अंदर ही है, सप्लाई चेन्स को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। इसके साथ जो सपोर्टिव इनकम पॉलिसीज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन नेसेसरी है इस तरह के इशूज को एड्रेस करने के लिए, और इसके तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और कम्युनिटी एक्शन जो इसको इसकी फोस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट जो है वो सिल्वी कल्चरल सिस्टम सूटेबल फॉर नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फॉरेस्ट। सिल्वी कल्चरल सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो है वो फॉरेस्ट का जो इसकी ग्रोथ है, जो उसकी कंपोजिशन है उसको जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है ताकि जो नीड्स हैं जिस तरह के टिम्बर के नीड्स हैं या वाटर के रिसोर्सेज हैं या रिक्रिएशन है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो सिल्वीकल्चर सिस्टम जो है नेचुरल और मैन मेड फॉरेस्ट हम इसको देखते हैं। सिल्वीकल्चर सिस्टम जो है ऐसा मेथड है जिसको यूज किया जाता है। सिल्वीकल्चर सिस्टम जो है वो फॉरेस्ट को रीजनरेट करता है, उसको मैनेज करता है। तो इस तरह के सिस्टम जो है वो इसलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि डिफरेंट गोल्स जो है वो पूरा किया जा सके, जिसमें टिम्बर की प्रोडक्शन है, बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और इकोसिस्टम की हेल्थ। तो यहाँ पर कुछ कॉमन सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स हैं जो कि सूटेबल हैं नेचुरल और जो मैन मेड फॉरेस्ट है दोनों के लिए। क्लियर कटिंग सिस्टम है जिसमें क्लियर कटिंग इन्वॉल्व होता है तमाम ट्रीज को रिमूव करने में, खासतौर पर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जो कि लेकर जाता है न्यू रीजनरेशन की तरफ। इवन एज फॉरेस्ट एंड देन इज सूटेबल फॉर मैन मेड फॉरेस्ट वेयर द गोल इज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टिम्बर क्रॉप्स। नेचुरल फॉरेस्ट कुछ केसेस के अंदर जो स्पीशीज हैं नेचुरली रीजनरेट होते हैं यानी कि लार्ज डिस्टर्बेंस के बाद। मेरिट्स एफिशिएंट सिंप्लीफाइज लॉगिंग ऑपरेशंस, इसमें सनलाइट जो है प्रमोट उसको किया जाना चाहिए, जो कि सन लविंग ट्रीज जो हैं उनकी ग्रोथ जो है इस तरह के स्पीशीज की इंकरेजमेंट उसको मिलती है। और इसके डीमेरिट्स क्या है कि सोयल एरोजन होती है, तो जो सोयल एरोजन का रिस्क है न्यूट्रन लॉस का भी बढ़ जाता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है ये इसके डीमेरिट्स में आता है जिसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। इसके साथ जो शेल्टर वुड सिस्टम है, जो शेल्टर वुड जो है वो इन्वॉल्व होता है ट्रीज को रिमूव करने में ग्रेजुअली इन अ सीरीज ऑफ कटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीविंग सम मैच्योर ट्रीज टू प्रोवाइड शेल्टर फॉर ए न्यू सीडलिंग्स। उसके बाद आते हैं नेचुरल फॉरेस्ट जो कि नेचुरल रीजनरेशन जो है वो प्रमोट होती है शेड टॉलरेंट स्पीशीज की। उसके बाद मैन मेड फॉरेस्ट जहाँ पर ग्रेजुअल ट्रांजिशन को प्रेफर किया जाता है, इसके मेरिट्स क्या हैं, एरोजन को कंट्रोल किया जाता है, सोयल एरोजन जो है वो रिड्यूस होती है कंपेयर टू क्लियर कटिंग, तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसको मेंटेन किया जाता है, कंटिन्यूस फॉरेस्ट कवर को मेंटेन किया जाता है जो कि वाइल्ड लाइफ को यानी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है।
इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं जिसमें कम्प्लेक्स मैनेजमेंट है, तो इसको जो है केयरफुल प्लानिंग और मल्टीपल कटिंग्स की जरूरत होती है। तो ये लेबर इंटेंसिव और एक्सपेंसिव भी हो सकता है। सिलेक्शन सिस्टम इसका क्या है, सिलेक्शन कटिंग जो है इन्वॉल्व होती है सिलेक्टिवली, जो कि इंडिविजुअल ट्रीज को और स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज को रिमूव करती है। इस तरह से जो अनइवन एज फॉरेस्ट स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होता है। नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो इन्हेंस करता है डाइवर्सिटी और नेचुरल रिजनरेशन को। मैन मेड फॉरेस्ट क्या करता है, ये जो है यूजफुल होता है मिक्सड स्पीशीज स्टैंड को मेंटेन करने में। और बायोडाइवर्सिटी जो है ये डाइवर्स रेंज ऑफ स्पीशीज और हैबिटेट्स को जो है वो सपोर्ट करता है। उसके बाद एस्थेटिक है जिसमें कंटिन्यूस फॉरेस्ट कवर जो है मेंटेन की जाती है, जो कि विजुअली अपीलिंग होती है। कम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्स डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द फॉरेस्ट एंड केयरफुल सिलेक्शन। इकोनॉमिक यील्ड में प्रोड्यूस लोअर इमीडिएट टिम्बर यील्ड्स। उसके बाद आता है कोपाइस सिस्टम, जो कोपाइस जो है वो इन्वॉल्व होता है ट्रीज को कटिंग डाउन करने में टू देयर स्टम्स, जो कि अलाउ करता है न्यू शूट्स को न्यू शूट्स यानी कि ग्रो करती हैं स्टम्प से। उसके बाद जो मैन मेड फॉरेस्ट जो है ये फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज के लिए यूज किया जाता है, जिस तरह के विलो है या पॉपुलर है। तो नेचुरल फॉरेस्ट क्या है, लेस कॉमन बट कैन बी यूज फॉर सर्टन हार्डवुड स्पीशीज। ठीक है, हार्डवुड स्पीशीज इस तरह के जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर मिलती हैं। रैपिड ग्रोथ होती है, प्रमोट्स क्विक रीजनरेशन ऑफ द सर्टन स्पीशीज, कॉस्ट इफेक्टिव लो कॉस्ट ऑफ द रीजनरेशन कंपेयर टू प्लांटिंग न्यू ट्रीज। और उसके बाद लिमिटेड स्पीशीज इसके अंदर होते हैं, नॉट ऑल ट्री स्पीशीज रिस्पॉन्ड वेल टू कोपासिंग फॉरेस्ट स्ट्रक्चर, तो कैन लीड टू मोर यूनिफॉर्म लेस डाइवर्स फॉरेस्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद एग्रोफॉरेस्ट्री का सिस्टम है, तो एग्रोफॉरेस्ट्री कंबाइन करते हैं ट्रीज और श्रब्स को क्रॉप्स और लीव स्टॉक के साथ सेम लैंड के ऊपर, जो कि मोर डाइवर्स और प्रोडक्टिव और सूटेबल होते हैं लैंड यूज सिस्टम। उसके बाद मैन मेड फॉरेस्ट ये प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को एनहेंस करता है। नेचुरल फॉरेस्ट के मुकाबले में इसको यूज किया जाता है डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करने में और इंटीग्रेट करता है लोकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के साथ। मेरिट्स इसके क्या हैं, ये सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, वाटर रिटेंशन को इम्प्रूव करता है, डाइवर्सिटी जो है सपोर्ट करता है ये बायोडाइवर्सिटी को और प्रोवाइड करता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर को मैनेज करने के लिए आज नॉलेज की जरूरत होती है। ट्रीज और क्रॉप्स जो लीव स्टॉक हैं वो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज के लिए इस तरह के फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर में कम्पीट करती हैं। तो डिफरेंट जो सिल्वीकल्चर सिस्टम है वो वेरियस बेनिफिट्स और चैलेंजेस ऑफर करता है, जिसमें क्लियर कटिंग जो है एफिशिएंट होता है बट कैन हार्म द एनवायरनमेंट वाइल शेल्टर वुड एंड सिलेक्शन सिस्टम प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड सोइल हेल्थ। और उसके बाद जो कोपाइसिंग है ये फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज के लिए होता है इस तरह का मेथड, और जो एग्रोफॉरेस्ट्री जो है वो कंबाइन करती है फॉरेस्ट्री को एग्रीकल्चर के साथ सूटेबल लैंड यूज के लिए। उसके बाद जो बेस्ट सिस्टम जो है ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक गोल्स के ऊपर एंड कंडीशन ऑफ द फॉरेस्ट वेदर नेचुरल आर मैन मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ द डिफरेंट सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस नीडेड एट डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस ऑफ द फॉरेस्ट। तो सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस और उनका जो एडवांटेज है डिफरेंट फॉरेस्ट ग्रोथ स्टेजेस के ऊपर वो देखते हैं। सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस जो है एक्टिविटीज कैरीड आउट टू मैनेज एंड एनहेंस फॉरेस्ट ग्रोथ। ठीक है, ये फॉरेस्ट ग्रोथ को एनहेंस करते हैं। तो ये ऑपरेशंस जो है ये डिपेंड करता है ग्रोथ स्टेज ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कुछ कॉमन ऑपरेशंस की हम बात करेंगे और उनके एडवांटेजेस को देखेंगे जो कि डिफरेंट स्टेजेस पर होते हैं। रीजनरेशन स्टेज है, न्यू फॉरेस्ट मीन प्लांटिंग सीडिंग नेचुरल रीजनरेशन और यंग ट्रीज प्लांट किए जाते हैं। इसका एडवांटेज इसके क्या होते हैं कि ये स्पेसिफिक ट्रीज जो है वो स्पीशीज मिक्स हो जाते हैं और डेंसिटी जो है इंश्योर होती है। बेटर कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। और उसके बाद सीडिंग है जिसमें सीड्स को यानी कि उनकी बुआई की जाती है सॉइल के अंदर। इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और कवर करता है लार्ज एरियाज को क्विकली। नेचुरल ग्रोथ तो नेचुरल फॉरेस्ट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। नेचुरल रीजनरेशन ट्रीज को अलाउ करता है नेचुरली रीसीड एंड ग्रोथ के अंदर। लो कॉस्ट एंड मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी इसका एडवांटेज है। और अडॉप्टेशन क्या है, ट्रीज जो है वो नेचुरली अडॉप्ट किए जाते हैं लोकल इन्वायरमेंट के अंदर। यंग फॉरेस्ट स्टेज है जिसमें अर्ली ग्रोथ ऑपरेशंस होते हैं थिनिंग वीडिंग एंड पर्निंग के, और इसमें सम ट्रीज को रिमूव किया जाता है ताकि कंपटीशन को रिड्यूस किया जा सके, जो कि प्लांट्स के अमंग क्रिएट हो जाता है रिसोर्सेज की कमी की वजह से। इसके साथ एडवांटेजेस का ये होता है कि रिमेनिंग ट्रीज की ग्रोथ इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है, जिस तरह से लाइट की वजह से कंपटीशन होता है, वाटर और न्यूट्रंट्स की वजह से होता है।
और क्वालिटी इसकी क्या है, ये टिम्बर और फॉरेस्ट स्ट्रक्चर की क्वालिटी को एनहेंस करता है। उसके बाद है वीडिंग का, ये अनवांटेड प्लांट्स और अंडर ग्रोथ प्लांट जो है उनको इसमें रिमूव किया जाता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये कंपटीशन को यंग ट्रीज के दरमियान रिड्यूस कर देता है और डिजायर्ड ट्री की स्पीशीज को ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके साथ साथ यंग ट्रीज की जो लोअर ब्रांचेस हैं उनकी कटिंग की जाती है, और इसका एडवांटेज ये है कि ये टिम्बर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, नॉट्स को रिड्यूस करता है, और इसके साथ साथ ये स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स को इनकरेज करता है। मिडल ग्रोथ जो स्टेजेस है उसमें एल्डोस सेंट फॉरेस्ट आते हैं, तो इसमें इंटरमीडिएट थिनिंग फर्टिलाइजेशन पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल आता है। इंटरमीडिएट थिनिंग जिसमें फर्दर सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ द ट्रीज, और उसके बाद एडवांटेजेस के क्या हैं, ये कंटिन्यूस जो है वो कंपटीशन को रिड्यूस करता रहता है, और इस तरह से ये सेलेक्टेड ट्रीज को अलाउ करता है ताकि वो फास्टर और ग्रो कर सकें और हेल्दी रह सकें। तो इनकम ये प्रोवाइड करता है, इंटरमीडिएट इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द थिन ट्रीज। फर्टिलाइजेशन इसकी क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड करता है सोयल के अंदर। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये इन्हेंस करता है ट्री ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को, और फॉरेस्ट हेल्थ को ओवरऑल प्रमोट करता है, पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करता है जिसमें पेस्ट और डिजीज को मैनेज किया जाता है। इस तरह से ट्रीज जो है वो डैमेज और डेथ से बच जाते हैं। मेच्योर फॉरेस्ट स्टेज है फुली ग्रोन फॉरेस्ट, इसमें फाइनल थिनिंग हार्वेस्टिंग रीजनरेशन प्लानिंग वगैरह आते हैं। तो लास्ट राउंड है ये सिलेक्टिव ट्री रिमूवल का, इसमें के अंदर जो एडवांटेजेस ये हैं कि ये ग्रोथ और जो रिमेनिंग मेच्योर ट्रीज हैं उनकी क्वालिटी को मैक्सिमाइज करता है, और ये प्रिपेयर करता है फाइनल हार्वेस्टिंग फॉरेस्ट। इसके अलावा कटिंग और मेच्योर ट्रीज की रिमूविंग होती है, और ये क्योंकि टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है इसलिए इसकी रिमूविंग होती है मेच्योर वुड की, और रिन्यूअल तो क्लियर स्पेस फॉर न्यू ग्रोथ एंड रीजनरेशन। इसके साथ साथ रीजनरेशन प्लानिंग है जो कि नेक्स्ट साइकल्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है इसको, और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इंश्योर करता है, मेंटेन करता है कंटिन्यूस फॉरेस्ट कवर एंड प्रोडक्टिविटी को। तो सिल्वीकल्चर के ऑपरेशन जो है वो एसेंशियल एंड डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस के ऊपर फॉरेस्ट के जो कि इंश्योर करते हैं हेल्थ को, सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिव फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। प्लांटिंग सीडिंग नेचुरल रीजनरेशन हेल्प एस्टेब्लिश न्यू फॉरेस्ट, वाइल थिनिंग वीडिंग एंड पर्निंग सपोर्ट अर्ली ग्रोथ। इस तरह से जो इंटरमीडिएट थिनिंग फर्टिलाइजेशन पेस्ट कंट्रोल है वो वाइटल है मिडल ग्रोथ स्टेज के दौरान, तो फाइनल थिनिंग हार्वेस्टिंग और रीजनरेशन प्लानिंग जो है वो प्रिपेयर करते हैं मेच्योर फॉरेस्ट फॉर सस्टेनेबल यूज एंड रिन्यूअल। तो हर जो ऑपरेशन होता है वो स्पेसिफिक एडवांटेज परफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि ओवरऑल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है वो फॉरेस्ट के कंट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, डिजर्टिफिकेशन इज अ ग्रोइंग थ्रेट, विच क्लाइमेट एंड एडेफिक फैक्टर्स एक्सेलरेट इट एंड हाउ। तो डिजर्टिफिकेशन जिसमें क्लाइमेट और एडेफिक फैक्टर्स हैं, जिसमें डिजर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फर्टाइल लैंड जो है वो डिजर्ट हो जाती है, ठीक है, वो यानी क्रॉप को मजीद प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहती। तो ये ज़्यादातर ड्राउट की वजह से आता है, डिफॉरेस्टेशन होती है और इनअप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर होता है। तो क्लाइमेट और जो एडाफिक यानी सॉयल रिलेटेड ये फैक्टर्स हैं तो ये एक्सलरेट कर देता है डिजर्टिफिकेशन को एंड हाउ दे डू सो। तो इसमें क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स आते हैं वो ड्राउट है यानी खुश्क साली है, तो ये कैसे जो है डिजर्टिफिकेशन एक्सलरेट होती है, तो प्रोलॉन्ग पीरियड लो रेनफॉल है वो सोयल मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, यानी कि कैरियर्स के ऊपर एक लंबे अरसे तक अगर बारिश नहीं होती या बारिश कम होती है तो वहाँ पर जो सोयल की यानी मॉइस्चर है वो कम हो जाता है, जो कि डिफ़िकल्ट बना देता है जहाँ पर प्लांट्स को ग्रो को की ग्रोथ को, या ड्राउट है। तो विदाउट जो वेजिटेशन है उसके बगैर जो है सोयल्स तो जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं यानी इरोजन के खतरे से दो चार हो जाते हैं। अब हाई टेम्परेचर इसके अंदर आता है तो ये कैसे एक्सेलरेट करता है डिजर्टिफिकेशन को, तो जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है वो एवेपरेशन की रेट को बढ़ा देता है, तो इस तरह से सोयल की जो मॉइस्चर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो ड्राइंग इफेक्ट है मेक इट्स हार्डर फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव एंड कैन किल एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, तो इस तरह से ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अब विंड जो है वो डिजर्टिफिकेशन को कैसे एक्सेलरेट करती है, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है जब वो चलती है तो टॉप सॉइल को लॉस कर देती है, जिसमें स्पेशली वो एरियाज शामिल हैं जहाँ पर कम वेजिटेशन होती है सोयल को होल्ड करने में। तो इस तरह का जो प्रोसेस है वो विंड इरोजन का
वो इनफर्टाइल ग्राउंड लीव करता है, और इरेगुलर रेनफॉल है तो ये डिजर्टिफिकेशन को कैसे एक्सलरेट करती है। इनकंसिस्टेंट और अनप्रिडिक्टेबल जो रेनफॉल का पैटर्न है वो फ्लैश फ्लड्स को की तरफ लेकर जाता है, सोयल एरोजन की तरफ लेकर जाता है। तो स्टेडी रेन की कमी जो है वो इससे मुराद ये है कि प्लांट्स के वो जो है एस्टेब्लिश होने में डिफिकल्टी होती है, प्लांट्स की रूट्स एस्टेब्लिश नहीं हो पाती। उसके बाद है एडाफिक यानी सोयल रिलेटेड फैक्टर्स हैं, तो पुअर सोयल स्ट्रक्चर है, ये पुअर सोयल स्ट्रक्चर किस तरह से डेजर्टिफिकेशन को फैसिलिटेट करती है। सोयल्स जो है जिसकी पुअर स्ट्रक्चर होगी, जिसमें सैंडी या लूज सोयल्स होगी, तो ये ज़्यादा इरोजन के खतरे से दो चार होंगी। तो इस तरह से वाटर वो होल्ड नहीं कर सकेंगी और इजीली यानी कि ब्लोन होंगी या फिर वाइस्ड अवे होंगी। और उसके बाद सॉइल की सैलिनिटी है, ये किस तरह डिजर्टिफिकेशन को ऑक्सीडेट करता है। तो हाई जो साल्ट लेवल है सॉइल के अंदर वो प्लांट ग्रोथ को नुकसान पहुंचाता है, उसको हार्म करता है। तो सैलिनिटी जो है वो बढ़ती रहती है इम्प्रॉपर इरीगेशन प्रैक्टिस की वजह से, जहाँ पर वाटर जो है वो क्विकली एवेपरेट हो रहा होता है और पीछे जो है वो साल्ट बच जाता है। और न्यूट्रेंट डिप्लेशन है, न्यूट्रेंट की डिप्लेशन किस तरह से डिजर्टिफिकेशन को एक्सेलरेट करती है। जो ओवर फार्मिंग और डिफोरेस्टेशन है वो स्ट्रिप करती है एसेंशियल न्यूट्रेंट सोयल को, तो ये इसकी वजह से ये लेस फर्टाइल बन जाती है और मोर सस्टेनेबल होती है सोयल एरोजन के लिए। उसके बाद आता है सोयल का कम्पेक्शन। सोयल का कम्पेक्शन डिजर्टिफिकेशन को कैसे एक्सेलरेट करता है। हैवी मशीनरी, ओवर ग्रेजिंग बाय लीव स्टॉक एंड फूड ट्रैफिक कैन कम्पेक्ट द सोयल, रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू अब्जॉर्ब वाटर। तो इस तरह से जो है वो रन ऑफ और एरोजन बढ़ता है। और उसके बाद है कि ये कैसे फैक्टर्स जो हैं कैसे वर्क करते हैं। इसमें वेजिटेशन लॉस आता है, क्लाइमेटिक फैक्टर जिसमें ड्राउट और हाई टेम्परेचर जो है वो प्लांट कवर को रिड्यूस करता है, एडाफिक फैक्टर्स जिसमें पुअर सोयल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिएंट डिप्लेशन है वो न्यू प्लांट्स को ग्रोइंग से बचाता है, प्रिवेंट करता है। उसके बाद है एरोजन, तो विंड और वाटर एरोजन जो है वो इंटेंसीफाइड होता है जब सोयल की स्ट्रक्चर पुअर हो। देर आर नो प्लांट्स टू होल्ड द सोयल इन प्लेस, एरोडेड सोयल जो है लॉसेस इट्स टॉप लेयर, इसकी टॉप लेयर जिसके अंदर फर्टिलिटी के लिए यानी कि न्यूट्रंस वगैरह होते हैं तो वो एरोड हो जाती हैं विंड की वजह से। तो इसके बाद जो लैंड है वो लेस केपेबल होती है प्लांट को सपोर्ट करने के लिए। तो डिजर्टिफिकेशन जो है वो एक्सलेट हो रहा है क्लाइमेट फैक्टर्स के कम्बिनेशन की वजह से, जिसमें ड्राउट आता है, हाई टेम्परेचर है, विंड है या इरेगुलर रेनफॉल है। तो एडाफिक फैक्टर्स हैं यानी पुअर सोयल स्ट्रक्चर, सोयल सैलिनिटी, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन और सोयल कम्पेक्शन। तो इस तरह के फैक्टर्स जो हैं इनकी कम्बिनेशन जो है ये डिजर्टिफिकेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स जो हैं रिड्यूस करते हैं सोयल की फर्टिलिटी को, इरोजन को बढ़ाते हैं और वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये फर्टाइल लैंड की ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाते हैं, मीन के वो डेजर्ट के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है फर्टाइल से। तो अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स कैन हेल्प इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड प्रोटेक्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम। इस तरह के फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके इनको एड्रेस करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करके और उनको इम्प्लीमेंट करके डिजर्टिफिकेशन से इकोसिस्टम्स को बचाया जा सकता है।